क्यों सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण सिंध में पहरिया कलाकन जा कलाक हाने डी जो डी लोड शेडिंग रही है। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो सिंध के हर जिले में अण ऐलानियल लोड शेडिंग रही है। कराची में भी लोड शेडिंग जो वक्त वधायो वियो है। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण वजीर आजम के लोड शेडिंग जो वक्त घटाने की दरख्वास्त कर छी। शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो जमायत इस्लामी के कराची के मेयर से गजी कम करण घुर्जे। संदस चवण हो तो जमायत इस्लामी पीपल्स पार्टी खिलाफ हथ टोकी प्रोपेगेंडा कर रही है। शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो जमायत इस्लामी के पीटीआई के मेंबरन वोट न दिना। जमायत इस्लामी के इल्जाम की सियासत छड़न घुर्जे। ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहा हूं। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण है तो सिंध में पहरिया कलाकन जा कलाक हाने डी जो डी लोड शेडिंग रही है। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो सिंध के हर जिले में अण ऐलानियल लोड शेडिंग रही है। कराची में भी लोड शेडिंग जो वक्त वधाय वियो है। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण वजीर आजम के लोड शेडिंग जो वक्त घटाने की दरख्वास्त कर छी। शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो जमायत इस्लामी के कराची के मेयर से गजी कम करण घुर्जे। संदस चवण हो तो जमायत इस्लामी पीपल्स पार्टी खिलाफ हथ टोकी प्रोपेगेंडा कर रही है। शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो जमायत इस्लामी के पीटीआई के मेंबरन वोट न दिना। जमायत इस्लामी के इल्जाम की सियासत छड़न घुर्जे। ब्रेकिंग न्यूज अवां शेयर कर रहा हूं। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण है तो सिंध में पहरिया कलाकन जा कलाक हाने डी जो डी लोड शेडिंग रही है। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो सिंध के हर जिले में अण ऐलानियल लोड शेडिंग रही है। कराची में भी लोड शेडिंग जो वक्त वधाय वियो है। सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण वजीर आजम के लोड शेडिंग जो वक्त घटाने की दरख्वास्त कर छी। शाह जिलेना मेमण जो चवण हो तो जमायत इस्लामी के कराची के मेयर से गजी कम करण घुर्जे। तफसील मालूम कदासी टेल्फ लाइन से मौजूद है कराची का चीफ रिपोर्टर फयाज कुरैशी। जी फयाज, चवण हो सूबाई वजीर शाह जिलेना मेमण जो। हाँ बिल्कुल कयम सिंधी इतलात ट्रांसपोर्ट वे वजीर शाह जिलेना मेमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते स्वीडन वाक्य के न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त अमल करार दींदे उनकी मजम्मत कई। सबसे चवण सूबे के हर जिले समेत कराची में लोड शेडिंग जो वो बिना सबब बात कई वही है। सूबे के समूर जिलों में हाँ कलाक पर टीम की जो लोड शेडिंग सिलसिलो जारी रखो वो है। अड़ी शिकायत से वो वजीर से गुजारिश करे तो न सिर्फ सख्ती से नोटिस वरत वे बल्कि लाड़काने में कैसे का बिजली बंद हुई तासदारी नोटिस वरत वफाकी हुकूमत ने मामले के न सिर्फ हल करे बल्कि इन गर्मी की बदतरीन शिदत में अजियतनाक जी जिंदगी में मानू की जान छड़ाए न सिर्फ निजात दियारी वे बल्कि मानून के इन मुश्किल घड़ी में बिजली की फ्राहमी के मुमकिन बनाया वे। शजीर मेमण यो चवण तो जमायत इस्लामी बदतरीन अंदाज में सिंध हुकूमत खिलाफ मुहिम हलाए रही है। जैसे का उन्होंने हारा है तो उन्होंने मुहिम जो सिलसिलो शुरू किया है। संदस यो चवण तो उन्होंने वट अक्सरियत न हुई खेल पीटीआई जैसे वोट न दिनों तो नजलो सिंध हुकूमत से किराया वे तो संदस चवण जमायत इस्लामी के मू खैरात चंदो दियन था या तस्वीर हलए उन पैसों जो इजाफी बयान कर रही है। इलेक्शन कमीशन के गुजारिश करे तो जमायत इस्लामी की जो खिदमत बया इदारा जिन उनके खर्च जो न सिर्फ नोटिस वो वे बल्कि जमायत जमायत इस्लामी वालों से गुजारिश करे तो अचन तन मैंडेट जो एहतराम कन था कराची के मेयर से गजी शहर की खिदमत कई कम कन बी सूरत में जाहिर जिते आवाम जो कम ना मुश्किल पैदा थन्दू तो आवाम खेल इंदड़ वक्त में वोट भी न दिनों वो दुआ कन तो एमक्यूएम बायकॉट कर जो चूडन में खटी अगते आया। संदस यो चवण तो कराची के अलावा जमायत इस्लामी पूरी सिंध में किथे चूड ना खटी यो वाजे करे तो जमायत इस्लामी जो मैंडेट है वो मसनूई है। अड़ी तरह से अगर जटे मैंडेट हुए हाँ तो सूबे में किथे न किथे जरूर सीटू खटा। बहरहाल उन दावत दिनी तो जमायत इस्लामी अगते अचे वो आवाम की खिदमत में पीपल्स पार्टी सहकार करे सहकार में गजी आवाम की खिदमत कई वी ईंद वक्त में संदन बेहतरी जहा रस्ता भी निकरंदा। शजील मेमण पीटीआई चेयरमैन के हवाले से बयान दिनों संदस ये चवण तो बेंच से अदम एतमाद करण न सिर्फ ज्यादती हुई बल्कि यह लेट टैक्टिस तरीकेकार है जजेस से प्रेशर विझण के बराबर अमल है। बस संदस यो चवण तो हाँ हर मू ट्रोलिंग का खौफजदा है या इंसाफ की तकादा पूरी थी है। संदस चवण जैसे कोशे खाने जहाँ वाच विकरो कया वह अड़ा इल्जाम था ये पूरा हुआ जैसे सजे समूरा इल्जाम साबित थी वह तो तहरीक इंसाफ चाहे थी तो साक्षित मिसाल जो चीफ जस्टिस मुल्क में अचे अड़े किस्म की वह तलब करने की कोशिश करके थी वे। संदस यो चवण तो नेब के अगूने चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जांच करण खे उन में न सिर्फ जांच में खेल शामिल करें खे बल्कि वो कसम खड़ी चवे तो मुल्क में जे दवाओं जो कंपनियों उनमें संदस नाठी के मुखालफत में जे कंपनियां हुई उन्हें खिलाफ अकड़बा कार्रवाई कई वही
इन तरह से सहाफिन के प्रसर करें खपे अड़े किस्म जाजायज फायदा हासिल कर हवाले से तहरीक इंसाफ कड़ा कदम खया इन हवाले से न सिर्फ जांच थे घुर्जे बल्कि सार के कस्टडी में रखी इन हवाले से बाजा तौर से इंक्वायरी कई वे शहजीद मेमन जो चवण तो मुझे चीफ जस्टिस जो बिलागर से मुलाकात कई है उनमें असिफ तूर नाले सहाफी शामिल हो जो उन गाल उनकी जांच थे घुर्जे छाकाण जो ये गाल सिर्फ सदस्य ला शॉकिंग बल्कि में मुल्क में को भी अड़ो मू इदारो अहम ना है जो इदार मजबूत थे घुर्जे फैसला पॉलिसियों जाती पसंद से नियन घुर्जन शहजीद मेमन यो तो पीटीआई के बोर्ड सदाल जे टे का चार अरब रुपया मिलने की दावा कई हुई उड़ा वह एफ आई इदारा इदारा जो खामोशो या रकम सियासत खिलाफ सोशल मीडिया से इस्तेमाल कई हुई उनको इंसाफ करें घुर्जे शहजीद मेमन यो तो असतूर के विलाग में जे कुछ जेल गाड़ी उ न सिर्फ मुल्क के लिए खतरनाक है उनके इदार खतरनाक है मुल्क में को भी उनका मथा ना है मुल्क आईन कानून मौजूद हलन हलन घुर्जे पीपुल्स पार्टी अड़े किस्म की ख्वाहिश रखे थी तो मानून के गन पॉइंट से न रोको वे लतीफ़ होसा या एतराज मथा जो एतराज हैं उन पीपुल्स पार्टी उनके रोकने के बजाय ये मामला सीईटी में उठाने के हवाले से फैसलो किया है इलाज हिंदा उनमें इन मामलों से फैसला क्या वा शहजीद मेमन यो पीपुल्स पार्टी पीडीएम जो हिस्सो ना है बल्कि हुकूमत की इतना जरूर है जिसे फैसला मुशावर से दुबई मुलाकात बाबत अगर जो कौमी मीडिया में जो गाल हली रही उनका न सिर्फ लालम है पर जो अड़े किस्म जहा सवाल कंता उन समय तो पा महसूम है अगर जो अड़े किस्म जहा सवाल जहन में आन अगर जो गलत तस्दीक है तो वो भले हल खन पर अड़े किस्म जहा गलत जो बयान वो हल सिर्फ जाती थी बल्कि जी गाल हलन थी उनमें कें किस्म की सदाकत ना है शहजीद मेमन यो चवण चवण तो पाकिस्तान जो झगड़ो मदे मुकाबिल मुल्क से है भारत उन मदे मुकाबिल मुल्क के न सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो बल्कि जैसे तहरीक इंसाफ की जैसे मुल्क में हुकूमत हुई तो पर डे में पाकिस्तान से केर गाल तैयार न हो पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर पर डेही वजीर न सिर्फ इमेज के बहाल किया बल्कि उन सूरत में जैसे मुश्किल हुई उनके बेहतर करने की कोशिश कई है जैसे चेयरमैन पीपुल्स पार्टी दुनिया के मुल्क में वे तो मुल्क जो न सिर्फ बेहतर करने की कोशिश करे तो बल्कि सब का पैर नौजवान के रोजगार मुलाजमत समेत मुल्क की बेहतरी के हवाले से फैसला क्या वन था शहजीद मेमन महंगाई जो एतराज कहते हैं मुल्क में जो न सिर्फ इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उनके असरात हैं पर हाँ जो डॉलर के जो किरण जो सिलसिलो है उनमें न सिर्फ महंगाई जो खात्मो ही पर इंदर दिन में बेहतरी जहाँ रस्तान वो नजर इंदा जो खीर मुर्गी के कुकड़ की जहाँ मार्केट में जहाँ अगर जो वात है उनको बुनियादी सबब जो डॉलर की वात पर डे में जो इंदर खाम मटेरियल है उनके मागे मिलने सबब ये समूरा मसला थन था इम्कान है इंदर दिन में न सिर्फ महंगाई में बेहतरी की जहाँ तवक है डॉलर जो अग है वो किरन तो बेहतरी जहाँ रस्ता खुलंदा संदे चवण हो मुल्क में इंडियन एप्स से पाबंदी है उनमें जमा इस्लामी का इश्तहार हलंदे उन हवाले से उन्हें एतराज कहते इलेक्शन कमीशन का इन ही बुनियाद से सिर्फ मुतालबो किया है जे इदारा खैरात अला दिन जैसे कम कन था तो वे मुल्क किस्म इदार के हवाले से उनमें अड़े किस्म की सियासत न थे घुर्जे इन हवाले से इलेक्शन कमीशन का वो मुतालबो करे तो इन सारी सूरत का जायजो वो वे जांच कई वे तो खैरात की मिलने जो रकम है उनके नाजायज तरीके से इस्तेमाल छो तो वे शहजीद मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते जमा इस्लामी के तनकीद निशान बनाया लाड़काने समेत सिंध में जो बदतरीन जो लोड शेडिंग है उन शहजीद मेमन जी कहते वफाकी हुकूमत खान नोटिस वन मामले के हल कर घुर कई है।